हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है और आज के इस वीडियो में हम डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस मैं चूज कर लेता हूँ, 2007 यूज कर रहा हूं मैं इस बार, और यहां से क्रिएट पर कर देते हैं क्लिक। तो जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो हमारे सामने ओपन होगी, ठीक है, जो कुछ इस तरह की होगी। अब हमें व्यू पर करना है क्लिक और यहां पर आ रहा है टेबल वन। आप चाहे तो कोई इसे नाम दे सकते हैं, मैं फिलहाल टेबल वन ही रहने देने वाला हूं। ओके प्रेस करता हूं तो ये इस तरह का सिनेरियो हमारे सामने आएगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, तो यहां पर स्टूडेंट की आईडी आएगी। इसका डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर रखा है और यहां पे करता हूं स्टूडेंट नेम, ओके, और यहां पर स्टूडेंट का जो एज है वो कर देता हूं, तो यहां पे सिर्फ डाल देता हूं एज, ठीक है, ये एज हमने कर दिया। और एज को हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप, क्या रखेंगे, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब मान लीजिए कि आप व्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब व्यू पे क्लिक, देखिए मैंने क्लिक किया है और इसको सेव कर लेते हैं, यहां से यस करके सेव कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। डबल क्लिक करते हैं, यहां पर नेम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नेम राम लिख लिया। अब हमको एज एंटर करनी पड़ी 18 इयर्स, फिर यहां श्याम की जो एज है वो 17 इयर्स, इसी तरह से यहां पे अविनाश कर देता हूं, इनकी एज है 19 इयर्स, और फिर यहां पे कर देता हूं श्रुति, ये नाम दे दिया हमने, और इनकी एज है 19 इयर्स, ठीक है। अब हमको बार बार यहां टाइप करना पड़ रहा है। अगर हम यहां पर कोई भी वैल्यू ना दें, जैसे मैं यहां कर देता हूं रितेश, ठीक है, ये रितेश लिखा हमने और यहां पर आ गए, इसको मैं छोड़ देता हूं, तो यहां बाय डिफॉल्ट अपने आप से कोई वैल्यू नहीं आती है। देखिए फिर यहां लिखता हूं सीमा और फिर यहां इसको छोड़ देता हूं तो ये ब्लैंक ही रह जाता है, यहां पर कोई वैल्यू अपने आप नहीं आती है, ठीक है। और अगर हम इसको सेव भी कर लें यहां से तो भी कोई वैल्यू हमें यहां दिखाई नहीं पड़ेगी। फिर यहां लिखता हूं हिना, तो अभी देखिए यहां पर कुछ मैं लिख नहीं रहा हूं, तो यहां बाय डिफॉल्ट अपने आप कोई वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, तो यहां से चलते हैं डिजाइन व्यू पर और यहां देख सकते हैं नीचे डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अभी मैं हूं नंबर, ये जो एज है एज वाले डेटा टाइप में हूं जो कि नंबर रखा है मैंने, और यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू मैं दे देता हूं 18, ठीक है। तो अब अगर हम कोई भी वैल्यू अगर टाइप नहीं करते हैं तो अपने आप यहां पर 18 आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर 18 आ चुका है फिलहाल हमें यहां पे 18, और फिर जहां पे हमने एंटर नहीं कर रखा है वहां पे हमें डालना होगा, ठीक है, और बाकी नीचे तो अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं यहां पे नेम लिखता हूं अभी, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां बाय डिफॉल्ट 18 आ जाता है। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पे करता हूं संजय, तो यहां देखिए अपने आप 18 आता चला जा रहा है। तो ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहां पे देखिए वसीम, तो ये देखिए 18 आ गया अपने आप। तो ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू। इसके अलावा भी अगर कुछ और भी देना चाहते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल ये सारे स्टूडेंट कहां से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, तो यहां लिखता हूं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हमने, और यहां पे टेक्स्ट रहने देता हूं, और फिर यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू में मैं डाल देता हूं देवरिया, ठीक है, और यहां से व्यू पे करता हूं क्लिक और ओके कर देता हूं। तो अभी अगर हम कोई भी यहां पे डिस्ट्रिक्ट का नेम ना दें तो बाय डिफॉल्ट यहां आ जाएगा देवरिया, अपने आप आ जाएगा। यहां पे देखिए यहां पे देवरिया हमने दे दिया, ठीक है, यहां पे दे देता हूं ओके, फिर यहां पे कर देता हूं देवरिया। ये बात ध्यान रखिएगा कि डिफॉल्ट नेम हमने देवरिया दिया है, ठीक है, तो अगर हम कोई भी नेम नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट नेम चूंकि देवरिया दे रखा है तो अपने आप देवरिया यहां आ जाएगा। देखिए ये हमने सब लिख दिया, फिर यहां पर आए, यहां पर भी लिख देता हूं। अब देखिए यहां से यहां नीचे आए, अब ये देखिए नीचे अपने आप देवरिया आ रहा है, और देखिए ये जो एज है बाय डिफॉल्ट हमने एज भी दे रखा है 18, तो ये एज भी उसी हिसाब से आ रहा है। अब यहां पे लिख दिया हमने गौरव,
अनल, सुदीप, संदीप, राजू। तो यहां पे देख सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप देवरिया आ रहा है और ये 18 एज जो है इसे ही हम डिफॉल्ट वैल्यू कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है ये बात क्लियर हो गई होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।